आप सभी अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आसन्न हैं, कल से शुरू होने वाली हैं। और पिछले वर्ष आपने देखा कि परीक्षा रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने संपन्न कराया और इन्विजिलेशन और परीक्षा पत्रों की जांच और रिजल्ट निकालने में अभूतपूर्व सफलता रही, बहुत अच्छे ढंग से हुआ। दूसरे राज्यों के बोर्डों ने भी आकर के यूपी की प्रक्रिया को देखा कि कैसे इतनी सुचितापूर्ण ढंग से और अच्छे तरीके से इतने बच्चों की परीक्षा इतने केंद्रों पे कराई गई और कोई शिकायत नहीं आई। पिछले बार चूंकि ये परीक्षा का स्तर इतना अच्छा रहा कि इस बार विभाग प्रयासरत है कि उससे भी अच्छी तरह परीक्षाएं कराएं। एक हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति आपको दी है, उसमें से कुछ मेन जो बिंदु हैं आपके सामने फिर से हम रखना चाहेंगे। 8,265 परीक्षा केंद्र हैं, 22 फरवरी यानी कल से शुरू होंगी ये, और 12 कार्य दिवसों में हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। 9 मार्च तक ये चलेंगी। हाई स्कूल के कुल 29,47,311 परीक्षार्थी होंगे और उसी तरह इंटरमीडिएट में 25,77,997। जो आपने देखा होगा, एक थर्ड पैरा में हम लोगों ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2017 तक जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो शामिल होते थे वो संख्या 3,53,000 की थी, जबकि अब इस वर्ष 1,64,000 की है। तो ये इन वर्षों में जो सख्ती हुई है उसका परिणाम है। जो बाहर के प्रदेशों से आकर के यहाँ बच्चे परीक्षा देते थे, 2017 में उनकी संख्या 1,50,000 थी, जबकि इस बार 4,900 रह गई है। हम लोगों ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए एक SOP बनाया है और एक मानक तय किए हैं। उन मानकों में जो केंद्र खरे पाते हैं उन्हीं को हम परीक्षा केंद्र बनाते हैं, और ये ऑनलाइन व्यवस्था है, टाइम शेड्यूल के अनुसार चलता है। और इस बार जो है हमारे पास 8,265 परीक्षा केंद्र हैं, जबकि 2017 में ये करीब 12,000 थे। इस बार हम लोगों ने ये भी किया है कि पहले एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनता था, जो माध्यमिक का जो ऑफिस है यहाँ पे शिक्षा निदेशालय वहाँ होता था। इस बार हम लोगों ने 6 केंद्र और बढ़ाए हैं जो कि मॉनिटर करेंगे। एक तो विद्या समीक्षा केंद्र जो निषादगंज में है, बेसिक का, वो भी कंप्यूटराइज है, पूरी तरह से लैस है, तो उसको हम लोगों ने सेकेंड केंद्र बनाया है। प्लस हमारे जो 5 रीजनल सेंटर्स हैं उनको भी हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसके अलावा हर जनपद में लोकल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहता है, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा हम लोगों ने 6 केंद्र ये और बनाए हैं। जो परीक्षार्थियों की शिकायतें आती हैं या उनकी क्वेरीज रहती हैं, उनके लिए हम लोगों ने 2 हेल्पलाइन नंबर दिया है। और जो स्ट्रेस होता है बच्चों को एग्ज़ाम के समय में, और वो कंसल्ट करना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहते हैं या काउंसलिंग चाहते हैं, उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बच्चों तक भी ये नंबर पहुंचे। बहुत सारी चीज़ें परीक्षा में जो कमियां होती हैं, कुछ चीज़ें प्रोसीजरल होती हैं, कुछ इंटेंशनल होती हैं, तो हम लोगों ने दोनों पे कोशिश की है कि काम करें। हमारी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए और हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें त्रुटि की गुंजाइश न हो, और जो सामान्यतः गलतियां होती हैं उनको सोचते हुए उनको उनका पहले से निराकरण हम लोग कर लें। पिछली बार हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस शुरू किए थे। जैसे पहले बंडलिंग होती थी तो एक रैप रहता था और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी वो फट जाता था, और ये संभावना रहती थी कि बाहर से कोई प्रश्न पत्र देख ले। तो पिछले साल ही हम लोगों ने उसके 4
पैकेज के 4 लेयर्स बनाए हैं और वो एक तरह से टेम्पर प्रूफ है। अगर उनके साथ कोई टेम्परिंग होती है तो वो हमें पता लग जाएगा उसको। ऐसा नहीं है कि कोई खोल के और पुनः उनको सील कर पाए। तो और वो एक दो लेयर नहीं, हम लोगों ने 4 लेयर रखा है ताकि अगर आवागमन में या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज भी होता है तो कम से कम एक लेयर ही होगा, बाकी 3 लेयर बचे होंगे और वो 3 लेयर वहीं पे खोलने होंगे। और ये हम लोगों ने किया है कि तीनों की उपस्थिति, जो केंद्र व्यवस्थापक है, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उन तीनों की उपस्थिति में ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। प्रश्न पत्रों की बंडल्स की अलग अलग कोडिंग होती है, अलग अलग उनके कलर होते हैं ताकि सामान्यतः कोई भूल ना हो जाए। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति बहुत ही सजग हैं और ये विषय शिक्षा में जो गुणवत्ता है ये विषय उनके हृदय के बहुत करीब है और इसमें शुचिता जो है वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक मॉनिटरिंग हुई और हमेशा उनका रहा है कि अगर कहीं इस तरह की कोई बात आती है जहाँ इंटेंशनल या मिलीभगत की बात आती है तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमारा अधिकारी ही विभाग का अधिकारी क्यों ना हो। तो FIR और जेल भेजने की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे, उसके कठोरतम प्राविधान हैं। पहले भी ये हुए हैं और इस बार भी हम लोग सजग हैं और ये कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी को अनुमति नहीं है, ना किसी तरह की गलती की, न त्रुटि की और न ही किसी तरह इंटेंशनल मिलीभगत की। हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि केंद्र व्यवस्थापकों को और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षित करें कि उनको क्या करना है। कभी कभी प्रशिक्षण के अभाव में गलती हो जाती है, इंटेंशनल नहीं होती है लेकिन बोनाफाइडी मिस्टेक हो जाती है, तो वो त्रुटियां ना हो, वो गलतियां ना हो, उनके लिए उनको प्रशिक्षित किया गया है। जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं 2.75 लाख, उनको हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड QR कोड और परिचय पत्र जारी किया है कंप्यूटराइज, ताकि उसमें कोई मिलीभगत ना हो, जानबूझ करके कोई एक सेट ऑफ इनविजिलेटर्स को अपने तरह से न लगाए। पहले होता था कि उत्तर पुस्तिकाओं में पिछले साल की उत्तर पुस्तिकाएं यूज हो जाती थी, उनको हम लोगों ने अब QR कोड किया है, वाटर मार्किंग है उस पे बोर्ड की और उनको सिला गया है ताकि कोई पन्ना उसमें जोड़ नहीं सकता या उसको हटा नहीं सकता, बाहर ले जा करके अंदर नहीं कर सकता। इस तरह की जो परीक्षाओं में अमूमन पहले प्रैक्टिस रहती थी वो कम करने की कोशिश की गई है। जितने हम लोगों को इस तरह के फीडबैक आती है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल उसमें कार्रवाई करें और उसको इम्प्रूव करें। कलर भी हम लोगों ने अलग किया है, पिछले सालों से कलर अलग है और सब्जेक्ट वाइज अलग है, और मेन कॉपी का और सप्लीमेंट्री कॉपी का वो भी कलर अलग है ताकि उससे छेड़छाड़ न कर पाए। संवेदनशील और अति संवेदनशील नंबर हम लोगों ने आपको शेयर किए हैं। 16 जनपद भी हम लोग चिन्हित किए हैं जो किन्हीं न किसी न किसी कारण से पिछले वर्षों में कहीं कोई घटना हुई, उनको हम लोगों ने संवेदनशील रखा है और इसमें हम लोग को पूरा होम का समर्थन है और STF भी इसमें अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। अभी सूचना अभी से एकत्रित की जा रही है। बहुत सारे विभाग हैं जिनको जिनका सहयोग हम लोग लेते हैं, जैसे परिवहन विभाग हो गया, बच्चों के आवागमन के लिए विशेष बसें चलानी पड़ती हैं उस दिन, विद्युत आपूर्ति की बात हो गई, साफ सफाई सैनिटेशन की ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, उसके लिए पंचायत राज विभाग और नगर विकास से हम लोगों ने अनुरोध किया हुआ और उनके कार्मिक मुस्तैद हैं। उसी तरह किसी सेंटर पे प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों ने रखा है। 30 को एक इसमें 30 जनवरी को एक फुल फ्लेजेड बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी जनपदों के भी और विभागों के भी मौजूद थे और सबको अनुरोध पत्र भी गया हुआ है। तो ये हमारी तरफ से एक सार था। साथ ही 15 फरवरी से संस्कृत शिक्षा परिषद की भी परीक्षाएं चल रही हैं जो कि 29 तक चलेंगी, उनमें करीब
39,375 बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी गतिमान है। उसके अलावा जो मेन बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कल से हैं। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आप उपस्थित हुए, आपके सामने हमने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया और ये इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से बच्चों को पहुँचे। हम लोगों ने एक चीज़ किया है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, सही गलत, वो लोग प्रश्न पत्रों अलग से बना करके वो लीक करते रहते हैं, तो उसकी मंशा कुछ भी हो सकती है, गलत बेचने की भी मंशा हो सकती है। तो हम लोगों ने एक क्विक रिस्पॉन्स टीम भी रखा है, क्योंकि जब सोशल मीडिया में कोई चीज़ शेयर होती है तो वो सही है या नहीं है वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि प्रश्न पत्र तो हमारे पास भी नहीं है। तो एक क्विक रिस्पॉन्स टीम है हमारी कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम तुरंत उसको काउंटर कर पाएँ, तब ओरिजिनल प्रश्न पत्र से मिलान करके हम दे पाएँ। तो इसके लिए एक हम लोगों ने ये नई व्यवस्था की है। धन्यवाद। वो मैं देख लेता हूँ, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि हर पन्ने पे हमने लिखा है ऐसी व्यवस्था ऐसी है? अच्छा, हर एक पे लिखने के लिए है। अच्छा ठीक है, तो अनुक्रमांक लिखने में क्या दिक्कत है, उसे कोई दिक्कत तो है जब QR सर। अब वो देखिए, पहले तो उनको हम दे ही देते हैं, प्रश्न पत्र मिलने के पहले उनको आंसर शीट तो मिल ही रहती है। हाँ ये है कि सप्लीमेंट्री में हो सकता है आपका जो कहना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर दूसरे पन्नों पे नहीं है तो उसका कोई प्रभाव ना पड़े, ये देख लेंगे। वो आपका सुझाव सही है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक मिनट, एक एक करके बता देते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है सामान्य शिकायतों के लिए वो 1800 180 6607 और 8 के साथ दूसरा भी है 1800 180 6608। तो ये दो नंबर हैं जो सामान्य शिकायतों के लिए हैं, और मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए जो है 1800 180 5310 and 5312। पिछले सालों में ये आता रहा है कि बच्चे दूर से आते हैं और देर हो जाता है, ठंड का भी मौसम है, तो उसको देखते हुए 8:30 किया गया, आधे घंटे का टाइम बढ़ाया गया। विशेष निगरानी तो हर बार रखी जाती है और दो तीन तरह से रखी जाती है। एक तो अभी सूचना तंत्र भी ज़्यादा सक्रिय रहता है, हम लोग भी नज़र रखते हैं, और इस बार हम लोगों ने डबल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स भी प्रिंट कराए हैं, जो हमारे अनुसार ऐसे जनपद हैं जहाँ पे कि ऐसी ज़्यादा संभावना रहती है। तो जनरली हमारे ज़िले अलग अलग जोन्स में बटे हुए हैं ताकि जो डैमेज है वो मिनिमाइज रखे, लेकिन इन जनपदों के लिए जो आपने कहा उनके लिए हम लोगों ने अलग से एक सेट बना के रखा है। संवेदनशील जिले हैं हमारे, वो 16 हैं हमारे पास। आप उनका नाम जानना चाहेंगे? अच्छा एक मिनट, मैं नाम पढ़ दूंगा, बाकी क्वेश्चन ले ले। वो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, वो हम आप सेम जो पहला वाला है, पहले वाले नंबर पे ही आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई खबर लगे तो वो व्हाट्सएप नंबर भी है, हाँ जो पहला वाला है, हाँ 07 and 08।
लास्ट ईयर तो कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब ऊपर वाले की कृपा से लास्ट ईयर तो ठीक था। लास्ट टू लास्ट ईयर एक घटना आई थी, वो जेल भी गए थे तो। लेकिन अगर आप पूरा डिटेल चाहेंगे हम आपको अलग से डिटेल दिला देंगे। एक मिनट, आपकी बात आवाज नहीं आ रही। हाँ, सेंसिटिव सेंटर्स भी आइडेंटिफाइड है, डिस्ट्रिक्ट्स भी आइडेंटिफाइड है। हाँ, जो जिले हैं वो मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया एवं गोंडा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन स्कूलों के अलावा हम लोग बाकी जगह सजग नहीं है, व्यवस्था वही है। हाँ, ज़्यादा सेंसिटिव। आई थिंक ये कुछ आइडिया है। विद्या समीक्षा केंद्र तो करीब 40 लाइनें हैं हमारी। हम लोगों ने इस बार अपने कंट्रोल सेंटर के अलावा विद्या समीक्षा केंद्र को भी जोड़ा है, तो 40 लाइनें हैं, तो 40 पर्याप्त होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके माध्यम से हमें उम्मीद है बच्चों तक और उनके अभिभावकों तक और केंद्र व्यवस्थापकों तक और परीक्षा से जुड़े सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। धन्यवाद।